हेलो दोस्तों, कैसे हो। अगर आपने प्लान किया होगा एक स्कूटर परचेज करने का, वो भी पेट्रोल सेगमेंट में, तो आपने एक्टिवा के बारे में जरूर सुना होगा और एक्टिवा आपने जरूर सर्च किया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा होंडा की एक्टिवा 110, जो मार्केट में यार सबसे ज़्यादा सेल होती है, सबसे ज़्यादा बिकती है और इसी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्कूटर है सेकेंड में तो वो है भाई जुपिटर 125। इसके अलावा कोई भी स्कूटर आपको रोड पर ज़्यादातर दिखाई नहीं देती है। तो इस होंडा एक्टिवा 110 में क्या खास है, ऐसा क्या है जो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखो, आपको अगर लुक्स और डिज़ाइन की बात करें, एक नॉर्मल सा लुक मिलता है और पूरा प्लेन बॉडी आपको देखने को मिलेगी, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लुक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक है। और अगर फ्रंट से शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रंट में आपको क्या मिलता है। इससे पहले मैं इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए, इग्निशन को ऑन कर दिया और स्कूटर को स्टार्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, स्कूटर को स्टार्ट भी कर लिया है, तो चलिए फ्रंट से देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे फ्रंट में जो आपको मिलता है, आपको LED सेटअप हेडलाइट देखने को मिलती है, जो यार देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्रोम की गार्निश देखने को मिल जाएगी। तो यार स्कूटर में अब आपको क्रोम भी मिलने लगा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वाइजर आपको यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है, जैसा कि एरोडायनेमिक लुक है वैसे ही आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वाइजर देखने को मिलेगा। इंडिकेटर देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिकेटर यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है और इंडिकेटर जब आप देख रहे हो ना, तो इसकी विजिबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। लेकिन ये भाई आपको मिलेंगे हालोजन वाले, ये देखो ये हालोजन वाले मिलेंगे और ये वाले ब्लिंकर्स भी आपको हालोजन वाले मिलेंगे। फ्रंट में आपको क्या मिलता है, तो देखो यहाँ पे होंडा का आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएगा। प्लेन बॉडी है, ब्लू कलर का ये है। उसके बाद यहाँ पे मैट ब्लैक का पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रोम की फिनिश दोनों साइड में देखने को मिलेगी, जो स्कूटर के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। जो इसका फ्रंट फेंडर है, ये देखो ये मेटल के साथ है और दोनों साइड में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए और इस साइड में देखिए, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। और फेंडर अगर आप देखोगे ना, तो आपको डुअल फेंडर देखने को मिलने होंगे। एक तो ये बॉडी के साथ अटैच होता है और दूसरा यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर आपको डुअल फेंडर देखने को मिल रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या है, जब आप कहीं बारिश वगैरह में जाओगे, कीचड़ वगैरह में जाओगे, तो ये वाला जो है सपोर्ट करेगा, कीचड़ अंदर जाने नहीं देगा। और ये मेडिगार्ड क्या करेगा ना, फ्रंट वाला जो कीचड़ होगा, कीचड़ को यहाँ से निकाल देगा नीचे। तो ये फ़ायदा आपको ये स्कूटर खरीदने में मिलता है। अगर व्हील्स देखोगे ना, तो आपको रिम टाइप व्हील्स देखने को मिलेंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। फ्रंट वाला टायर MRF का है, 90x90 सेक्शन के टायर मिलेंगे, ये देख लो। और 12 इंच के आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कि रिम टाइप में है। टायर की जो ग्रिप है, ये देखो कुछ इस टाइप से रहने वाली है। और यहाँ पे आपको ये जो है फ्रंट कवर भी देखने को मिल रहा है, जिससे क्या है कि अगर कहीं लड़ भी जाए ना, तो इस पर स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा और ये सेफ रहेगा। उसके बाद साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो देखो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से विजिबल होने वाला है। और यहाँ पर आपको साइड में क्या मिलता है भाई, तो यहाँ पर देखो साइड में आपको पूरा कलर कॉम्बिनेशन एक ही मिलेगा, यहाँ से लेके और इस साइड तक। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवा लिखा हुआ है 3D में क्रोम फिनिशिंग के साथ में। और इसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे ना ये वाला, तो ये जो पूरा पार्ट है सामने का, ये मैट ब्लैक के साथ आपको मिलता है। यहाँ पे एक एक्सेसरीज लगती है, जिसको कहते हैं भाई बीडिंग, तो ये प्रोटेक्ट करता है स्कूटर को। पूरा एक्सेसरीज अगर आप लगवाते हो, तो पूरा बीडिंग से क्या होता है, कवर कर देगा। तो कहीं भी अगर आपका थोड़ा सा एक्सीडेंट भी होता है, तो व्हीकल पर जो है ना कोई भी खरोच नहीं आएगी, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो इसका पैनल है, आपको एक्टिवा लिखा हुआ नज़र आएगा। फैन कूलिंग सिस्टम के साथ ही आपको मिलेगा। एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। साउंड सुनना चाहोगे, तो चलिए मैं सुना देता हूँ। ये देखिए, तो भाई एक्टिवा 110 की साउंड जो है कुछ ऐसी रहने वाली है। और ये जो फूड पैक्स हैं, ये जो पिलियन वाले हैं, इस पर कंपनी ने रबड़ का यूज किया है। और ये देखिए कुछ इस टाइप से आपको मिलने वाला है। अगर लेग स्पेस देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये जो लेग स्पेस है, ये थोड़ा सा कंफर्ट आपको एक्टिवा में लेग स्पेस देखने को मिलेगा और स्कूटर के मुकाबले। अगर आप जाते हो कहीं हीरो वगैरह स्कूटर पे, तो वहाँ पे इतना जो है लेग स्पेस आपको प्रोवाइड नहीं करता है। एक तो जुपिटर में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि वहाँ पर आपको लेग स्पेस थोड़ा सा ठीक ठाक मिलता है, और ये जो एक्टिवा है यहाँ पर आपको लेग स्पेस थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिलेगा। हैंडल बार देखते हो, तो यहाँ पर देखो हैंडल बार कुछ ऐसे है। इसके बाद यहाँ पर बार एंड भी देखने को मिलेंगे। इंजन की किल स्विच आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ इस साइड में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर और ये हॉर्न कुछ इस टाइप से। इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखोगे, तो यहाँ पे आपको टॉप स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे टोटल किलोमीटर है। और इसके बाद यहाँ पे फ्यूल गेज आपको शो करेगा।
काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। एक कैरी हुक मिलता है जो आप किसी थैले वगैरह को यहाँ पे लटका पाओगे। इग्निशन की बात करते हैं, की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको एक ही चाबी मिलती है, लेकिन इस चाबी से आप मल्टीपर्पज काम कर सकते हो, जैसे कि स्कूटर को लॉक करना हुआ, अनलॉक करना हुआ। अब देखिए फ्यूल टैंक को ओपन करने के लिए चाबी को यहाँ पे लाना है फ्यूल पे, और इसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये देखिए मैं आपको बता दूँ, ये देखिए तो इसकी जो फ्यूल टैंक है ना वो ओपन हो जाती है। ये देखिए एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग की सुविधा है, 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और अगर माइलेज की बात करें ना तो ये स्कूटर आपको अच्छा खासा माइलेज प्रोवाइड कर देती है, लगभग 50 KMPL के आसपास। अगर आपको 50 नहीं भी मिलता है भाई तो 45 से लेके 48 KMPL की माइलेज आपको मिल जाएगी। आपकी स्किल जितना ज़्यादा अच्छा होगा चलाने का, आपको माइलेज उतना ही ज़्यादा परफेक्ट मिलेगा। ये देखो है ना, तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग की सुविधा है, E20 को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। सीट पे आपको होंडा की बैजिंग मेंशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो ग्रैब हैंडल है ये सिल्वर फिनिशिंग के साथ में है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और पिलियन इसे काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट तरीके से पकड़ के बैठ पाएगा। और यहाँ पर देख लो एक चीज़ और है भाई, सीट ओपन करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना है, और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद नहीं ओपन हुआ, अब हो गया, ये देखो तो सीट आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और सीट अगर आप ओपन करते हो तो देखो यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है। फुल फेस का आप हेलमेट रख लो, थोड़ा बहुत आप और सामान रख लो। इसके बाद यहाँ पे टूल किट वगैरह भी है, ये देखो सीट के अंदर टूल किट फिट होता है। यहाँ पे देखो ये सारे टूल किट हैं, ये तो टूल किट आपको सीट के अंदर ही मिल जाएगा, और स्पेस भी ठीक ठाक ही आपको मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। सीट की बात कर लेते हैं तो देखो सीट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, चौड़ी सीट है, और यहाँ पे चौड़ी सीट का मतलब ये है कि आपको कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है। लगभग 760 mm की सीट हाइट है स्कूटर में भाई, इतना ही होता है। ग्राउंड क्लियरेंस मेन फैक्टर है भाई स्कूटर में, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम आता है, किसी में 140 आता है, किसी में 145 आता है, लेकिन इस होंडा एक्टिवा 110 2024 में आपको 162 mm का यानी 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जो कि यार स्कूटर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। रोड से थोड़ा सा गाड़ी ऊंची रहने वाली है, तो कहीं भी अगर ब्रेकर वगैरह आता है तो आप आसानी से क्रॉस कर जाओगे। अब देखो इंजन की बात कर रहे हैं तो देखो इंजन मैं बता दूं आपको, ये देखिए इसका जो इंजन है, ये देखो इंजन आपको यहाँ पे दिया गया है, और इसकी जो पावर है ना, एयर कूल्ड इंजन है, फैन कूलिंग सिस्टम है, इसकी जो पावर है आपको दे देगी लगभग 8 PS के आसपास की, यानी 7.8 PS के लगभग है, और ये मिलता है आपको 8000 RPM पे। और जो टॉर्क आपको मिलेगा 8.9 Nm का टॉर्क मिलेगा, वो मिलेगा आपको 5500 RPM पे। किक स्टार्ट भी मिलेगा, और यहाँ पे देखिए और आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिलेगा, मेन स्टैंड भी मिलेगा, और आपको साइड स्टैंड भी मिलेगा, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। पीछे वाले टायर सेक्शन की बात करें, देखो आगे क्या है ना, आगे आपको 12 इंच के व्हील्स मिलते हैं, लेकिन पीछे में आपको 10 इंच के व्हील्स मिलेंगे, और 90x100 सेक्शन का टायर मिलेगा जयपर का, वो भी आपको ट्यूबलेस मिल रहा है। और टायर की ग्रिप देखो तो कुछ इस टाइप से मिलने वाली है। पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो आपको मिलेगा भाई कॉयल स्प्रिंग वाला, एक सस्पेंशन है कॉयल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन है, 3 स्टेप एडजस्टेबल है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। पीछे की टेल लाइट वगैरह की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये देखिए इसकी जो टेल लाइट है वो आपको कुछ ऐसे विजिबल होगी, और जो इसकी इंडिकेटर है वो कुछ ऐसे विजिबल होने वाले हैं। तो कुल मिला के जो इसका रियर वाला लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लुक प्रोवाइड कर देता है। पीछे वाला जो इसका रियर फेंडर है वो कुछ ऐसे रहने वाला है, और यहाँ पे क्या है रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो स्कूटर का ओवरऑल लुक है वो ऐसे देखिए आप, ये देखिए तो स्कूटर का जो ओवरऑल लुक आपको मिलेगा एक्टिवा 110 में कुछ ऐसा रहने वाला है। तो लुक आपको थोड़ा सा बेहतर प्रोवाइड कर रही है कंपनी, E20 को सपोर्ट भी करता है। इसकी प्राइजिंग की बात बताऊँ आपको, लगभग 77,000 इसका प्राइस है दिल्ली NCR में, कहीं भी आपको मिल जाएगा, और इसकी ऑन रोड प्राइस आपको लगभग मिलेगी 90,000 के आसपास। तो 90,000 में आप एक प्रीमियम स्कूटर का मजा ले सकते हो, जिसकी यार डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और जिस पे लोग भरोसा काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिया है, और अगर इसकी राइडिंग की रेंज की बात करें ना तो लगभग ये मान के चलो कि 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और लगभग आपको 40 से 45 की माइलेज देगी, तो ये मान के चलो लगभग 225 किलोमीटर की राइडिंग आप कर सकते हो बड़े आराम से। तो कुल मिला के देखा जाए तो बढ़िया स्कूटर है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ही पसंद आया हो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं आपके लिए
और भी ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।